अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर रिमूव करना और वैक्सिंग करने का क्या हुक्म है। तो देखिए, औरतों के चेहरे पर बाल, मतलब फोरहेड, अपर लिप, चीक, चीन या नेक वगैरह पर बालों का होना, या हाथ और पैरों पर इस तरह बालों का होना कि मर्दों की मुसावियत लगे। तो देखिए, ऐसी सूरत में औरतों का फेशियल हेयर रिमूव करना और हाथ और पैरों की वैक्सिंग करना ये जायज़ है, क्योंकि ये बाल गैरियादी है। ऐसी जगह पर नॉर्मली औरतों के बाल नहीं होते, और इस तरह से बालों का औरतों के बॉडी पर होना औरत को बदसूरत बना देता है और मर्दाना लुक भी दे देता है। तो ऐसी सूरत में वैक्सिंग करना और फेशियल हेयर रिमूव करना ये जायज़ है। इट इज़ ओके फॉर वोमेन टू रिमूव हेयर ऑन द अपर चीक, चीन, थाइस एंड आर्म्स। हाँ, मगर एक बात क्लियर कर ले कि फेशियल हेयर रिमूव करना जायज़ है का मतलब ये नहीं है कि आप आईब्रोज भी बना ले। बिल्कुल नहीं। आईब्रोज का बालों को आप हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक लानती अमल है। आईब्रोज के मामले में प्लाकिंग, शेविंग, कटिंग ये सब मना है। हाँ, दरमियान से जोड़ी आईब्रोज आप अलग कर सकते हैं, बट शेव वगैरह देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। रहा औरतों की चेहरे की बाल साफ करने की और हाथ और पैरों के वैक्सिंग करने का मसला, तो ये अलाउड है। औरतें बिल्कुल एबनॉर्मल बालों को जो उन्हें मर्दाना लुक दे रहा है उन्हें साफ़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये काम सिर्फ औरतें खुद ही करें, या फिर पार्लर वगैरह जाकर ये करवा रहे हैं तो ये काम सिर्फ औरतों से ही करवाएं, और वहाँ कोई नान महरम मौजूद ना हो और जगह भी काबिल एतमाद हो। और दूसरी औरतों के सामने भी आप अपने सतर नहीं खोल सकते। तो ये शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं और आप वैक्सिंग भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नए एक वीडियो के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन।